गुड मॉर्निंग। आपके कैनोपी आर्किटेक्चर में तीन टाइप की कैनोपी बचती हैं, वो हैं अम्ब्रेला शेप्ड, पैगोडा ट्रीज एंड ड्रोपिंग ट्रीज। हमने तीन पहले पढ़ ली हैं, तीन से चार पढ़ ली हैं। वो तीन चार थी पाम, कॉनिकल, सिलेंड्रिकल, ऑब्लॉन्ग। अब हमें पढ़नी है बाकी की तीन, अम्ब्रेला, पैगोडा, ड्रोपिंग। अम्ब्रेला शेप्ड क्या होते हैं? अम्ब्रेला का स्ट्रक्चर अगर आप सोचें तो तुरंत ही आपके दिमाग में एक अम्ब्रेला का स्ट्रक्चर आ जाएगा नाम से ही। तो बस वही अम्ब्रेला का स्ट्रक्चर को ध्यान रखते हुए आपको इसको पढ़ना है। तो अम्ब्रेला शेप्ड कैनोपी में क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लैट होता है और फैला हुआ होता है, ब्रॉड। ठीक है, अम्ब्रेला में कैसे होता है, एक मेन एक्सिस होता है, उससे बहुत सारी इस तरह से निकली हुई होती हैं और वो एक अम्ब्रेला का फॉर्मेशन करती हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी अम्ब्रेला में सिम्पोडियल टाइप की ब्रांचिंग होती है, यानी कि मैन एक्सिस ग्रोथ करने के बाद एक लिमिट पे जाके स्टॉप हो जाएगा उसकी ग्रोथ, और उसके बाद में उसकी लेटरल ब्रांचेस की ग्रोथ होगी। अब ये लेटरल ब्रांचेस आसपास से इस तरह से निकलेंगी कि ये उसको अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर देंगी, यानी आप ऐसे माने कि ये यहाँ पे आके रुक गया। अब यहाँ से इसकी लेटरल ब्रांचेस निकली और ये लेटरल ब्रांचेस उस अम्ब्रेला को, उस ट्री को एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर देंगी। ठीक है, तो ये होता है अम्ब्रेला शेप्ड स्ट्रक्चर या कैनोपी। इसके अंदर जो सारी लीव्स होती हैं, क्योंकि ये फ्लैट है और ये ब्रॉड फैला हुआ है इसका स्ट्रक्चर, ये कैनोपी फैली हुई है, तो ऑलमोस्ट सारी लीव्स को मैक्सिमम अमाउंट में लाइट मिलती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ये थेस्पेशिया एंड डेलोनिया रीजिया। डेलोनिक्स रीजिया है गुलमोहर और थेस्पेशिया है पारस पीपल। ठीक है, अब लास्ट वन आता है पैगोडा ट्री। पैगोडा ट्री में क्या है, पैगोडा ट्री के अंदर, पैगोडा का नाम सुनते ही अपने दिमाग में आता है पैगोडा, यानी कि बुद्ध भगवान का मंदिर, बुद्धा टेम्पल। अब बुद्धा टेम्पल को आप माइंड से सोचेंगे तो कुछ आपके दिमाग में इस तरह से ट्री आएगी, कुछ इस तरह की शेप आएगी। तो दैट्स इट, पैगोडा ट्रीज के अंदर भी कुछ इस तरह की शेप होती है, यानी कि इसके अंदर ब्रांचेस जो होती हैं डिस्कॉइडल मैनर में इस तरह से निकली हुई होती हैं। ठीक है, और ये डिस्कॉइडल स्पाइरल मैनर में ब्रांचेस निकलती हैं, और जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि एक ब्रांच यहाँ से निकली और ये कुछ टाइम के बाद में इस तरह से मुड़ गई ऊपर की साइड में, दूसरी यहाँ से निकली मुड़ गई, और ये जहाँ से मुड़ी है एक लिमिट के बाद में मुड़ गई, ये थोड़ा ही मुड़ेगी, और उसकी जो दूसरी साइड है यहाँ से दूसरी ब्रांच निकलेगी और ये भी ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी, ग्रोथ करने के बाद ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी, फिर यहाँ से एक और ब्रांच निकलेगी ग्रोथ करने के बाद मुड़ जाएगी। इस तरह से ये एक पैगोडा लाइक स्ट्रक्चर बनता है इनका, यानी कि बुद्धा टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर बनता है। तो इसके अंदर आती है बॉम्बेक्स एंड एल्स्टोनिया, छटिन या सैमल। ठीक है, पैगोडा ट्रीज यानी कि उस प्लांट की कैनोपी कैसी है, पेगोडा लाइक है, बुद्धा टेम्पल लाइक है। अब आता है ड्रोपिंग ट्रीज। ड्रोपिंग का नाम से पता चलता है, ड्रोपिंग यानी कोई चीज़ जैसे ड्रॉप कर रही है, जैसे लटक रही है। तो उसके अंदर ऐसे प्लांट आएंगे जिनकी की ब्रांचेस सॉफ्ट एंड थिन होंगी। सॉफ्ट एंड थिन ब्रांचेज है तो लटकेंगी, ड्रोप करेंगी, तो उसके अंदर ऐसी ब्रांचेज होती हैं जो सॉफ्ट एंड थिन होती हैं। तो इसमें ड्रोपिंग ट्रीज में इन ब्रांचेज का जो ग्रोथ होती है वो सिम्पोडियल या मोनोपोडियल टाइप की होती है। सिम्पोडियल एक लिमिट के बाद रुक जाएगी, लेटरल ग्रोथ करेंगे, मोनोपोडियल मैन एक्सिस ग्रोथ करता रहेगा। ठीक है, और ब्रांचेस थिन होती हैं तो ये इस तरह से नीचे की तरफ लटकने लग जाती हैं। ठीक है, तो ये ड्रोपिंग ट्रीज कहते हैं इन्हें। इनकी जो कैसी होगी स्ट्रक्चर, ये ड्रोपिंग लाइक होगी, ऐसे सब लटक रही हैं ब्रांचेस। इसमें आते हैं एग्जाम्पल कैलिस्टोम बोटल ब्रस एंड सेलिक्स। ठीक है, अब हमारे ये आर्किटेक्चर ऑफ कैनोपी भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लावर स्ट्रक्चर, फ्लावर का डेवलपमेंट, फ्लावर की ग्रोथ कैसे हुआ। ठीक है, आज हम फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। तो जनरली आप सब ने देखा ही होगा फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आप सबको पता भी होगा। तो फ्लावर का स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है। इस तरह के स्ट्रक्चर में हमें यहाँ पर ये होता है पेडिकल, यहाँ पे इसको कहते हैं पेडिकल। पेडिकल यानी कि जहाँ पर फ्लावर एक स्टेज लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ से फ्लावर के सारे अपेंडेजेस दूसरे अपेंडेजेस ऑरिजिनेट हो रहे हैं, इसको बोलते हैं पेडिकल। हिंदी में कहते हैं पुष्प व्रंथ। अब इस पेडिकल से बहुत सारे इसके जो बाकी के
अपेंडेजेस हैं वो ऑरिजिनेट होते हैं, ठीक है। इनको कहते हैं कैलिक्स। कैलिक्स का मीनिंग होता है सेपल्स। तो जब हम प्लांट को देखते हैं किसी भी, उसमें जो फ्लावर होते हैं उस फ्लावर का एक इस तरह से आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, यहाँ पे पेडिकल होगा, यहाँ पे कुछ बाहर की तरफ सेपल्स होंगी, ग्रीन कलर की होती है मोस्ट ऑफ, तो ग्रीन कलर की बाहर की तरफ लीव्स लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, वो होता है सेपल्स। ठीक है, तो ये होती हैं सेपल्स या कैलिक्स। इसके बाद में आती है कोरोला। कोरोला को कहते हैं हम पेटल्स। पेटल्स का मीनिंग होता है, जैसे इसको हिंदी में कहते हैं हम बाह्यदल, इनको कहते हैं दलपुंज। ये कलर्ड स्ट्रक्चर होती है, मोस्ट ऑफ ये जो कोरोला होती हैं ये कलर्ड होती हैं। तो जैसे आप कोई फ्लावर लें, उसके बाहर की साइड आपको ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखेगा, एक थैलेमस दिखेगा, थैलेमस पे ग्रीन कलर की लीव्स दिखेंगी, उसके बाद में बाहर की साइड में आपको वो जो स्ट्रक्चर था उसको कहेंगे कैलिक्स, उसके अंदर साइड में यानी कि सेकेंड वॉल जो होगी उसकी वो होगी कोरोला या पेटल की, उनको कहेंगे कोरोला या पेटल यानी कि दलपुंज। वो कलर्ड होती है, मोस्ट ऑफ अट्रैक्टिव होती हैं। फिर इसके बाद में थर्ड आता है, जो थर्ड वॉल होती है वो होती है एक मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में क्या आता है, इनको हम कहते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम थर्ड साइकिल होती है, इसको मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके अंदर आता है ये, इस पूरे को कहेंगे स्टेमन। स्टेमन में ये ऊपर का पार्ट होता है एंथर, नीचे का पार्ट होता है फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट मिलके स्टेमन बनाते हैं जिसे एंड्रोशियम कहते हैं, ठीक है। इस एंथर के अंदर भी बहुत सारी बाइलोब्ड कंडीशन होती है, तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम जब एंथर का डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है गाइनोशियम। गाइनोशियम के अंदर इसके तीन पार्ट होते हैं। स्टिग्मा एक स्टेज प्रोवाइड करता है ताकि पोलन्स आके यहाँ पर रहें और यहाँ पर जर्मिनेट हो। फिर आता है स्टाइल, यहाँ से ये एक पतली ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होती है। फिर आता है ओविल, एक फूला हुआ सा पार्ट होता है उसके अंदर, उसको कहते हैं ओविल। उसके अंदर होती है ओवरी, ओवरी में होता है हमारा एग। तो इन दोनों का स्ट्रक्चर, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम का इंटरनल स्ट्रक्चर हम जब एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ लेंगे, ठीक है, आपके फिफ्थ यूनिट में। अभी आपको सिर्फ आउटर स्ट्रक्चर समझना है इसका। तो स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, ये जो था अंदर का पार्ट गाइनोशियम का, इसको एक कॉमन फॉर्म में, एक कंजॉइंट फॉर्म में कहें तो इसको कहते हैं कार्पल गाइनोशियम, ठीक है। ये था हमारा फ्लावर का स्ट्रक्चर। अब है कि फ्लावर डेवलप कैसे हुआ, हमें ये पढ़ना है कि फ्लावर का डेवलपमेंट कैसे हुआ।